वेलकम स्टूडेंट्स, फिक्स बजटिंग यानी कि फिक्स बजट इस वीडियो में हम कवर करेंगे। बिजनेस बजटिंग सीरीज़ में फिक्स बजट के मीनिंग को। फिक्स बजट बेसिकली जो एक चेंज ना होने वाला बजट माना गया है, जिसका एक ऑब्जेक्ट, जिसका एक टारगेट कम्प्लीटली बिगनिंग से लेकर एंड तक फिक्स रहता है, ऐसे बजट को हम फिक्स बजट कहते हैं। द बजट इन विच द ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट आर फिक्स इज नोन एज फिक्स बजट, जो कि बिजनेस के नॉर्मल कंडीशंस में बनाया जाता है, जो कि बिजनेस के अंदर ये माना जाता है कि ज़्यादातर फैक्टर जो है वो कॉन्स्टेंट रहेंगे, जो स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। ऐसे बजट को हम स्टैटिक और फिक्स्ड यानी कि ना चेंज होने वाला बजट कहते हैं। द बजट इन विच द ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट आर फिक्स्ड इज नोन एज फिक्स्ड और स्टैटिक बजट। सेकंड पॉइंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर अ कंप्लीट डिस्कशन बिफोर द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ये कब बनता है? जब बहुत डिटेल डिस्कशन हो जाए, बहुत कंप्लीट डिस्कशन होता है। इसलिए इस बजट को बनाने के लिए डिस्कशन बहुत ज़्यादा होता है, जो कि ईयर के स्टार्ट होने से पहले होता है। यानी कि अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है, तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए जो फिक्स बजट बनाया जाएगा वो 1 अप्रैल से पहले बनाया जाएगा। सो दैट इज़ इसकी एक खास बात है कि ये डिस्कशन जो होता है, प्रिपेयर जो होता है, बिफोर द बिगनिंग ऑफ ईयर, ईयर के स्टार्ट होने से पहले होता है। थर्ड पॉइंट, इन दिस बजट द वेट एज इज गिवन टू द एफर्ट्स टू अचीव द टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट। और इसमें जो एफर्ट है, जो टारगेट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो किस तरीके से एक वेटेज दिया जाता है सबको, उन सबको अचीव करने के लिए एक एफर्ट लगाया जाता है, लेस टाइमिंग कंज्यूमिंग होता है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर कंट्रोल अच्छा होता है, फॉलो अप करा जाता है। तो एक तरीके से सबके एफर्ट यहाँ रहता है, टारगेट डिसाइड रहता है, और फिर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नॉर्मल बिजनेस कंडीशन में फिक्स बजट बनाया जाता है, जिसमें ये माना जाता है कि अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है, बिजनेस कंडीशन सही है, डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में रेगुलर स्टेबल है। तो दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ फिक्स बजट, कि फिक्स बजट के ऊपर जो नेचर ऑफ बजट बिजनेस है वो एक नॉर्मल कंडीशन रहता है, जिसमें टारगेट डिफाइन होते हैं, इसमें सबका वेटेज डिफाइन होता है, सारे एफर्ट लगाते हैं सारे मेंबर्स, जो मैनेजमेंट के द्वारा डिटरमाइन होता है। फिक्स बजट के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये यूजलेस एट द टाइम ऑफ अनफेवरेबल इवेंट हैपनिंग ड्यूरिंग द ईयर। सबसे बड़ी, या तो इसको लिमिटेशन कह सकते हैं, कि अनफेवरेबल इवेंट, डायनामिक इवेंट या अनफेवरेबल इवेंट जो फ्यूचर में हैपनिंग होने वाली है, फ्यूचर में होने वाली है, उनके लिए ये यूज़लेस है, उस चीज़ के लिए ये यूज़लेस हो जाता है। तो दैट इज़ अ बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स बजट, कि ये अनफेवरेबल कंडीशन में इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहता। इट इज़ प्रिपेयर्ड अंडर फॉलोइंग कंडीशन, कुछ कंडीशंस है जिसके अंदर फिक्स बजट को प्रिपेयर करा जाता है। कौन कौन सी कंडीशंस? वेन नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट सीजनल, अगर बिजनेस का नेचर सीजनल नहीं है तो फिक्स बजट बनाइए, ये इफेक्टिव रहेगा। सीजनल है, चेंज होता रहेगा, तो ये अनफेवरेबल हो जाएगा, इफेक्टिव नहीं रहेगा, इसलिए नॉर्मल बिजनेस कंडीशन के लिए बनता है। दूसरी बात, फिक्स बजट जो बनाया जाता है, डिमांड जो होगी आपके प्रोडक्ट की वो रेगुलर स्टेबल होनी चाहिए। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट स्टेबल रहेगी, रेगुलर रहेगी, तो बजट प्रॉपरली बनेगा। नो इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। बिजनेस एक्टिविटी लाइक गवर्नमेंट, सप्लायर, इनका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। इनका इम्पैक्ट प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन पे होगा, बिजनेस एक्टिविटी पे होगा, तो यहाँ पे बजट अनफेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स इंक्रीज़ कर दी, बजट आपका अनफेवरेबल हो गया। सप्लायर ने प्राइसेस बढ़ा दी, बजट अनफेवरेबल हो गया। तो कुछ ऐसे कंडीशंस होती है जो उसको देखना पड़ता है फिक्स बजट में। सप्लाई ऑर्डर्स आर इशूड रेगुलरली, यानी कि रेगुलरली सप्लाई आनी चाहिए। देयर इज़ अ ट्रेंड ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए मार्केट में आपके प्रोडक्ट की। तो कुछ बातें ऐसी है जो फिक्स बजट के अंदर बताई गई है कि ये वो चीज़ होनी चाहिए। सो दैट इज़ अ कंडीशंस, एसेंशियल कंडीशन, जो सबसे ज़रूरी कंडीशंस है। और भी कुछ कंडीशंस है, जैसे इनपुट
जो है उसकी सप्लाई रेगुलर होनी चाहिए, मार्केट प्रोडक्ट डोमेस्टिक होना चाहिए फॉरेन कंट्री या एब्रॉड कंट्री के कंपैरिजन में। अगर एब्रॉड कंट्री का प्रोडक्ट तो उसके हिसाब से बजट बनेगा। देर इज़ नो नीड ऑफ स्पेसिफिक लेबर, स्पेसिफिक लेबर की नीड नहीं है, मटेरियल की नीड नहीं है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द फिक्स बजट। सो इस वीडियो में हमने बात करा फिक्स्ड और स्टैटिक बजट, जो कि जिसके टारगेट और ऑब्जेक्टिव फिक्स होते हैं, जो जिसमें एफर्ट सारे फिक्स रहते हैं, जो नॉर्मल बिजनेस कंडीशन में बनाया जाता है, फीजिबल होता है, ईजीली बनता ही है, और कंपेरिजन भी एंड ऑफ द ईयर में करा जाता है इसका अदर बजट से। तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल, दैट इज़ अ लेस टाइम कंज्यूमिंग, दैट इज़ अ एडवांटेज ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में भी एडवांटेज है इसका, और ये मैनेजमेंट इसको ईजीली स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। थैंक यू।